देख रहे हैं GNEWS24 और मैं हूं आपका दोस्त संजीव गंभीर। खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम आपसे मुखातिब करा रहे हैं मौलश्री शरद जी से। ये मौलश्री शरद, इनके प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन बरेली के सेंट मरिया गोरेटी स्कूल से हुई है और आपने ग्रेजुएशन ILS कॉलेज पुणे से किया है और आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीजी के लिए सिलेक्शन हुआ है। यानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां दाखिले, जहां प्रवेश के लिए लोग सपना संजोए रहते हैं। यूथ खासतौर से दिल्ली, बॉम्बे, तमाम बड़े बड़े शहरों के नौजवान बहुत मेहनत करते हैं कैसे उनका दाखिला ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हो जाए, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट, शहर के नामचीन चार्टर्ड अकाउंटेंट शरद मिश्रा और झरना मिश्रा जी की बेटी ने वो काम बहुत आसानी से करके दिखाया है। आइए आपसे ही करते हैं बात। मौलश्री जी, कैसा महसूस कर रही मेरे लीडर्स, खासतौर से यूथ आपको जानना चाहते हैं, इस कामयाबी पर क्या बनना चाहती है ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के बाद, प्लीज। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ तो ये कोर्स मैंने बेसिकली इसलिए करवाया है ताकि जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एनर्जी और एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, मैं उस सेक्टर में जाके पॉलिसी मेकिंग में काम में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ और इस सेक्टर को और लीगल फ्रेमवर्क के साथ एग्जीक्यूशन में ला सकूँ। आपने इस ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिले का, आपके दिमाग में प्रवेश का संकल्पना या कहां से आई प्रेरणा कि हमें ऑक्सफोर्ड जाना है, किसने आपको प्रेरित किया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना शायद हर किसी का एक सपना होता है, मेरा भी था। फिर मेरी मम्मी का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि इवेंचुअली उन्होंने बोला कि कोशिश तो करके देख। मैंने तो साफ बोल दिया था कि वहां पे भगवान जाने कौन से बच्चे पढ़ते हैं, मेरा नहीं होगा, किसी का बहुत रेयर होता है, मतलब मैं कभी नहीं मिली जिसका हुआ हो, लेकिन उन्होंने बोला कि कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, जाते तो बच्चे ही हैं। तो बस उसी के दौरान हमने एप्लीकेशन भर दिया और आगे का प्रोसेस हो गया। आपके प्राइमरी एजुकेशन सेंट मेरिया गोरेटी स्कूल में आपने अध्ययन किया है, ऐसे कोई टीचर्स जो आपको बहुत प्रभावित करते हो, जिन्हें आप याद करना चाहेंगे खास वजह से, कौन सेंट मेरिया गोरेटी स्कूल की टीचर हैं जिन्होंने आपकी मजबूत नींव डाली आपके ऊपर? मैं दो टीचर्स का नाम लेना चाहूंगी। एक मंजू मैम थी हमारी, जो हमें इंग्लिश पढ़ाया क्लास 5th से लेकर क्लास 12th तक, मेजर सब्जेक्ट्स उनके पास थे, और एक डीसी मैम थी जिन्होंने हमें बाद में पढ़ाया, 11th 12th में पढ़ाया। उन दोनों ने पढ़ाई के साथ साथ कई और ऐसी चीजें सिखाई जिससे आज तक काफी हेल्प मिलती है, कई चीजों को लिखने में, फ्रेम करने में, लोगों का पर्सपेक्टिव के हिसाब से कुछ ड्राफ्ट करने में। तो वो कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट था फाउंडेशन ले करने के लिए कि इवेंचुअली आपका बोलना और लिखने से ही आप प्रेजेंट कर पाते हो कुछ भी। ILS कॉलेज पुणे की कि कोई और टीचर को भी आप याद करना चाहेंगे आज के दिवस? हाँ जी, मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मैम थी पातोड़कर मैम, उन्होंने मेरा रेफरेंस भी दिया कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए। उन्होंने हमारे मेजर सब्जेक्ट से मूव हुआ ये सब हैंडल करे थे, तो उन्होंने काफी कुछ बोलना सिखाया कि कैसे आप 100 लोगों के सामने अपनी बात रखोगे, कैसे आप केस प्रेजेंट करते हो। तो फाइनल ईयर में उन्होंने हमें मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे, तो उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इस चीज में। मेरे रीडर्स और खासतौर से यूथ आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप प्रेरणादायी बातें कहना चाहेंगी ताकि वो भी आपकी तरह कामयाबी हासिल करें, क्या कहना चाहेंगी मौलश्री सर? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप एक लाइन चुने, उस लाइन को पूरी तरह से समझे कि उसमें क्या है क्या नहीं है, वो जो आपको ऑफर कर रही है क्या आपको सच में वो चाहिए, और उसके बाद उसमें पूरी जान लगा कर आगे बढ़े, पूरी कोशिश करें कि उस लाइन में सबसे टॉप पर आपका एडमिशन हो, सबसे टॉप पर आप जाएं। हो सकता है आपको बड़ा कॉलेज ना मिले, ना भी मिले तो भी आपके पास बहुत ऑप्शन होते हैं उसमें पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए, आपके वर्क एक्सपीरियंस में इतना अच्छा करे। लेकिन उससे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हैं, ये पता होगा तो आपको इवेंचुअली सक्सेस मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मौलश्री सर जी, हम ऐसी सक्सेस से आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं। नाम सुना होगा पंडित दीनानाथ मिश्र जी का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने अपने ही नाम से पंडित दीनानाथ मिश्र के नाम से एक विद्यालय इंटर कॉलेज बनाया और विश्वविद्यालय को गोद में दे दिया, उनके हवाले कर दिया बना के। ऐसे परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे उनके सुपुत्र शरद मिश्रा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। क्षमा चाहूंगा मैं, शरद मिश्रा जी,
शहर के नामचीन बरेली शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपकी बेटी है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं शरद जी अपनी बेटी की इस कामयाबी, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे लिए बड़ा गर्व का क्षण है और मेरी बच्ची आज विश्व के सबसे नामचीन विश्वविद्यालय की छात्रा बनकर वहाँ पढ़ने के लिए जा रही है और मैं उसकी सफलता को उसे हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि मेहनत करने से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है और आज मेरी बेटी वहाँ पहुँची है, बरेली के और बच्चे भी धीरे धीरे आगे बढ़ के वहाँ तक पहुँचे। जीते शरद जी, अब इनकी मम्मी हमारे साथ कैमरे में आप देख रहे होंगे बैठी हुई हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की सफलता के पीछे कहीं ना कहीं किसी की प्रेरणा रहती है और खासतौर से माताओं के द्वारा दिए गए संस्कार, उनकी प्रेरणा इसमें कहीं ना कहीं कामयाबी में मूल रूप से सामने आती है। झरना मिश्रा जी हमारे बीच मौजूद हैं, शरद जी की पत्नी, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे रीडर्स जानना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे मैम? हमेशा छोटे से कहती थी कि मुझे कुछ बहुत बड़ा बनना है, तो हम लोग घर में कहते भी थे, क्या कहती, मुझे महान बनना है, मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा कमाना है, ये सब करना है, वो उसकी हमेशा से एक इच्छा थी महान। तो मैंने जब ये लॉ इसका कंप्लीट हो रहा था तो मैंने कहा बेटा अब तुम्हारे लिए ऑक्सफोर्ड या इस तरह के किसी कॉलेज में पहुंचो जहाँ से तुम और बड़ी सीढ़ी चढ़ पाओ, और इसने उसके लिए प्रयास किया और उसमें ये सफल भी हुई। और बेटियां जब ऐसा करती है तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत शरद मिश्रा जी, मौलश्री जी, झरना जी, आपसे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज 24 से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।